आज मैं वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ लेटेस्ट बोल्ट Z40 का। पहले तो हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि कैसा आ रहा है, तो आगे देखते हैं इसके फीचर्स। आप देख सकते हैं इस तरह का मिलता है मॉडल, ब्रांडिंग, चार्जिंग केस, टैगलाइन और बॉक्स पर फोटोज़ वगैरह दी हैं। पीछे की तरफ जाएंगे तो इसमें डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले मिल जाता है सेगमेंट। इसको खोलने से मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड, 3 मंथ्स की एक्सटेंड वारंटी कार्ड है। इसको रजिस्टर करने पर टोटल 15 मंथ्स की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद मिलता है यूज़र मैनुअल। साथ ही हमें मिल जाता है ये छोटा सा बॉक्स जिसमें सीप और चार्जिंग केबल है, और साथ में है सॉफ्टवेयर टिप्स और साथ में कुछ नहीं। इसके बाद आ जाते हैं मेन प्रोडक्ट पर। अगर बात करें इससे प्रोडक्ट डिज़ाइन की, तो मेरे पास है वाइट वेरिएंट, इसके अलावा ब्लू और ब्राउन वेरिएंट का भी मिल जाता है, सो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। सामने की तरफ एक नोटिफिकेशन लाइट है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं, बस माइनर सा डिज़ाइन है। नीचे की तरफ C4 का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। अगर इसके कैप को ओपन करके देखते हैं तो थोड़ा सा तो यूनिक डिज़ाइन लग रहा है। एयरबड्स पर लेफ्ट राइट से सैम्बल बने हुए हैं। एयरबड्स के ऊपर हल्की सी प्लास्टिक फिल्म आती है, इसको ओपन करके चार्जिंग केस में वापस रखेंगे तो चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन LED ऑन हो जाती है वाइट कलर की, और साथ में ये मैग्नेटिक भी हैं, अगर भीड़ भाड़ में निकलेंगे तो गिरने के चांसेस बहुत कम। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है, पूरे का पूरा पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक ABS स्टील का बना हुआ है, बहुत लाइट वेट है, 40.6 ग्राम का है। एयरबड्स पर बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, लेफ्ट राइट के सिंबल हैं, माइक मिल जाता है, आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट ईयर पर लगा सकते हैं जिस हिसाब से आपको फिट लगता है, वर्कआउट रनिंग टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर असिस्टेंट की, तो आपको इसमें IPX5 मिल जाता है, तो आपको थोड़े से स्वेटिंग या पानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो मैनुअल डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको 5.1 वर्जन मिल जाता है। आप एंड्रॉयड फ़ोन, विंडो फ़ोन, आईफोन, लैपटॉप से थोड़े से बेसिक स्टेप करके कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंपली आपको ब्लूटूथ पर जाना है, सर्च करने पर बोल्ट के एयरबड्स की नोटिफिकेशन आ जाएगी। एयरबड्स पर भी हल्की सी वाइट लाइट इंडिकेट करती है, पेयर करने पर आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। अगर साथ ही चार्जिंग केस में डाल दिया जाए तो यह डिस्कनेक्ट हो जाता है, चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाहर निकालेंगे तो क्विकली पेयर हो जाता है, कनेक्ट होने का डिस्टेंस अप टू 10 मीटर है। अगर आप देखेंगे तो कोई बटन नहीं है, टच कंट्रोल मिलते हैं जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल टैप के जरिए प्ले पॉज कर सकते हैं। अभी कॉल करके चेक करते हैं इसकी आवाज़। हेलो भाई, अगर टू फिल्म आ रही है देखने चलते हैं पठानकोट में, 11 तारीख को रिलीज हो रही है, चलते हैं देखने। अगर चार्जिंग की बात करें तो 1.5 घंटे में आप फुल चार्ज कर सकते हैं, 60 घंटे तक आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, पर ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप फुल वॉल्यूम पर यूज़ करते हैं तो टाइम थोड़ा कम भी हो सकता है, मतलब कम से कम 40-50 घंटे तक का लाइफ मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने परचेज़ किया 1197 रुपये का, जो कि वैल्यू ऑफ मनी है। लास्ट मॉडल में बात करूँ तो ये बहुत अच्छे हैं, आप रनिंग, वर्कआउट, गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 60 घंटे का लाइफ है जो बहुत ज़्यादा है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैग्नेटिक है, डिज़ाइन यूनिक होने के कारण भीड़ में कहीं गिरने के चांसेस भी बहुत कम है। टच कंट्रोल भी बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब 1200 के अंदर आपको कंप्लीट सा पैकेज मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको पसंद है तो आप नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर भी खरीद सकते हैं। लास्ट में कमेंट में बताना कि आपको हेडफोन कैसे लगे, और सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में बता देना कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स।